हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम लोग मीट करने वाले हैं रवि कुमार से, जो कि इंडिया मार्ट में जॉब कर चुके हैं हैदराबाद लोकेशन के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। हाँ जी सर, बिल्कुल सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ मुझे बोलने के लिए मौका दिया जी जी ऑडियंस जी को एक्सपीरियंस बताने के लिए। जी बिल्कुल थैंक यू हाँ, जी मैं हैदराबाद में पहले वर्क कर चुका था 3 मंथ्स। जी जी सर तो उसमें मेरा जो सैलरी रहता था जी जी 22,000, ओके 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 जो कि उसमें वर्क प्रोफाइल आपका रहता था, कॉलिंग करना, अच्छा क्लाइंट अच्छा से अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना होता था। अच्छा 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 बिल्कुल। जी तो सबसे पहले ये बताइए रवि जी कि जैसे आपने सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट यही हायर कर मतलब पूछता है क्वेश्चन हमसे कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि ये पैन इंडिया हायरिंग चलती है इंडिया मार्ट का, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एज क्या होता है, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज, इसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो आपका 18 प्लस होना चाहिए। जी जी कैंडिडेट एज शुड बी 18 ईयर प्लस, राइट? हाँ, 18 ईयर अच्छा प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी है? और जैसे आपका ग्रेजुएशन है, आपका अच्छा किस अच्छा फील्ड में मैनेजमेंट है, या जो भी जी जी बीसीए हो या बीबीए किए हो आप, जी या जी बिल्कुल बीएससी करके आप जो भी साइंस या कुछ भी बैकग्राउंड दे रखा जी 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 ग्रेजुएशन, तो अप्लाई कर, या मास्टर डिग्री किया तो भी अप्लाई कर जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए अगर कैंडिडेट ग्रेजुएट है, कैंडिडेट का एज जो है 18 क्रॉस कर चुकी है, वो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो है इंडिया मार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, इंडिया मार्ट में अप्लाई करने के लिए कहाँ से, कौन सा वेबसाइट पे जाकर क्या करना होगा? इंडिया मार्ट का सबसे पहले तो उसका ऑफिशियल साइट होगा करियर पे, जी अगर बिल्कुल, वहां से कर सकते हैं, या naukri.com पे बहुत सारे नौकरी डॉट मतलब कि कॉम जो से भी भी अपना जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड अपडेट वगैरह, करके। जी हाँ, जी बिल्कुल अपडेट करते हैं लोग, वहां से भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और कितने दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है, सिलेक्शन का प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, एक इंटरव्यू से लेके जैसे टोटल प्रोसेस तो जैसे बताइए। जैसे कि 1 मंथ के अंदर आप अप्लाई करते हो, जी जी तो आपको 1 वीक या 2 वीक लग सकता है कॉल आने में वहां से। हाँ, जी जी बिल्कुल। जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आप अपना व्हाट्सएप डालते हैं, तो व्हाट्सएप पे ही पहले रिस्पॉन्स आता है एचआर का। जी जी बिल्कुल तो गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको 1 वीक का ट्रेनिंग होता है, जी फिर बिल्कुल। देन टेस्ट भी आपका होता है, क्या आपने ट्रेनिंग में सीखा, अच्छा 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 हाँ, कैसे अच्छा वर्क करना रहता है, वो सारा चीज जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग का सारा चीज वही मतलब कि लास्ट में पूछेंगे आपने क्या सीखा। अच्छा 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 और दूसरी चीज ये कि जैसे यहाँ पे लैपटॉप मैंडेटरी, या फिर जो कैंडिडेट है वो अपना मोबाइल से ही कर सकते हैं, स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं, नहीं, मोबाइल से ही कर सकते हैं। मोबाइल से ही कर सकते हैं, किसी तरह कोई हाँ, लैपटॉप या भी डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है। लैपटॉप आपको डेस्कटॉप लैपटॉप जब जरूरत पड़ती है आपको, जैसे अच्छा कि आप टीएल होते हैं, जब आपकी अच्छा प्रमोशन 1 साल हो जाती है जी बिल्कुल जैसा, बिल्कुल जी जी तो उनके लिए मतलब कि लैपटॉप जरूरत है, क्योंकि टीम को हैंडल करना टीम को रहता है। हैंडल करना पड़ता है, बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, स्टेप टू में चलेंगे, क्योंकि वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज, सैलरी एंड सैलरी डेट, ये चीज के बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल। सैलरी तो जैसे फ्रेशर के लिए मेरा जो सैलरी था, मैं खुद फ्रेशर था, जी तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि मतलब कि इतना मेरे लिए सैलरी होगा 22,000, अच्छा अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि आपकी मुझे उस समय नॉर्मली एज भी कम होगी, आपको जी समझ में भी नहीं आता होगा कि भाई। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि एज कम है, आदमी को थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है, किसी भी कंपनी को काम कर रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्क कल्चर को समझने में, थोड़ा वर्क ये एनवायरनमेंट को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि कैसे काम किया जाता है, कैसा वर्क हाँ प्रेशर होता है, लोग कैसे होते हैं, क्या प्रेशर काम का रहता है कि नहीं रहता है, वर्क बैलेंस बनाने में टाइम लगता है। जी कंटिन्यू बोलिए। जी बिल्कुल जी क्योंकि मैं जो मास्टर डिग्री जो मेरा था वो जी करते जी हुए, क्योंकि मेरा 25 एज हो रही थी, अच्छा 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 हाँ, तो मैं ये कहीं ना कहीं करियर में सर्च कर रहा था, तो बिल्कुल तभी बिल्कुल। जाकर के मैं इस प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हुआ था, कि वो एचआर देखा कि एमबीए होल्डर है, ताकि मेरा आसानी से ये बिजनेस मेरा निकाल जी सकता बिल्कुल 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 ठीक है। है। और तो आपका हाँ जो वीकअप रहता है, जी, संडे को वीकअप रहता है ये आपका, एक दिन और आपको छुट्टी मिलेगी जो आपके टीम लीडर के अकॉर्डिंग होगा, राइट? टीम लीडर के अकॉर्डिंग होगा, जी जी या तो तो संडे को या ट्रेनिंग रख सकते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं भी जाना पड़ेगा आपको। अच्छा 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 बिल्कुल। वर्किंग डेज क्या होता है इसमें? वर्किंग डेज आपका रहता है 10 10 o'clock मॉर्निंग से आपका इवनिंग के 7 o'clock तक, इवनिंग के 7 o'clock, तो मतलब 8 आवर्स बताया ना आपने, 8 hours। 8 आवर्स के साथ, ठीक है। वर्किंग आवर्स बता दिया, और वर्किंग डेज मंडे टू सैटरडे, राइट? मंडे टू जी। सैलरी डेट क्या होती है? सैलरी डेट आपको होती है पहले मंथ का, मतलब कि सैलरी क्रेडिट हो जाती है आपकी 7th और सेवेंथ सेवेंथ को ना? हाँ सर।
अच्छा, 7 डेज कंपनी अपना पैसा हाथ में रखती है, मतलब क्लोज होने के बाद, मंथ क्लोज होने के बाद आफ्टर 7 डेज जो बैलेंस होता है उनके अकाउंट में क्रेडिट करी जाती है जो कैंडिडेट होते हैं, राइट। हाँ, अब दूसरी जैसे चीज, कि हाँ बोलिए। आप जैसे कि आप जिस दिन ज्वाइन करते हो, यानी मंथ का मतलब कि 10 को ज्वाइन किया आपने, जी बिल्कुल, और जो अगले मंथ का जो पेमेंट बनता है, जी जी तो जी जिस जिस दिन से आपने स्टार्ट किया था काम, वर्क किया था, जी उस जी दिन का सैलरी बना करके आपको अकाउंट में सेविंग वो क्रेडिट कर देते हैं एचआर। क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा 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 बिल्कुल सही है। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल होता है या फिर ओनली फॉर फुल टाइम रहता है? नहीं, ओनली फुल टाइम जॉब। ओनली फुल टाइम जॉब, मतलब 8 आवर और का इस आपको, हाँ इस क्या 8 आवर्स लॉग इन करना पड़ेगा, मतलब काम करना हाँ एट पड़ेगा। आवर्स हाँ लॉगिन। उसमें आप जो कॉल करते हैं, आपका एक उन लोग का एक डिवाइस, एक अच्छा एप्लीकेशन होता है, जी, तो उसमें सारा चीज आप क्या बात करें क्या नहीं करें सारा चीज रिकॉर्ड होता रिकॉर्ड होता है। अच्छा, ताकि कंपनी उसको मॉनिटरिंग कर सके कि कैंडिडेट जो है वो हमारा क्या कर रहा है, हाँ। नहीं कर रहा। और बिल्कुल, इसमें सबसे पहले कि गर्ल्स लोग के लिए भी इंडिया मार्ट मतलब कि सही है, जो कि टेली एसोसिएट वर्क होता है, जो कि उनके लिए केवल अच्छा ऑफिस में ही सिस्टम अच्छा सारा कुछ दिया रहता है, अच्छा तो अच्छा उसपे टेलीकॉलिंग का जॉब हो गया हाँ इंडिया मार्ट टेली के कॉलिंग लिए। कॉलिंग पे ही सेल करना रहता है वो लोग का। अच्छा, और कॉलिंग पे तो फील्ड बॉयज लोग होते हैं, उनको कॉलिंग में जाना भी पड़ता। देखना पड़ता है, फील्ड भी देखना पड़ता अच्छा है। अच्छा जैसे आपको फील्ड देखना पड़ता था। जी अच्छा, तो आपने जैसे कभी इतना सेल्स फील्ड में किया, तो कभी किसी तरह कोई परेशानी हुआ या फिर बहुत आसान तरीके से आपने इस काम को किया? देखिए, जो कैंडिडेट जो प्रेशर झेल सकता है इसको, ये जी तो प्रेशर तो हर एक फील्ड में होता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको झेलने वाला होना हाँ चाहिए। हाँ सही सही, प्रेशर तो हार्ड फील्ड का काम है, सही बात है। लेकिन एचआर भी बोलेंगे ये हाँ काम आपसे क्यों नहीं हो रहा है, तो हाँ जहां आपका करेक्शन देखेंगे सेल क्यों नहीं हो रहा, तो हाँ वो गाइड करते गाइड हैं। करते हैं कि चलो ऐसे नहीं वैसे करो ऐसा। कैसा लगा आपको काम करके इंडिया मार्ट में, जितने दिन में आपने काम किया? बहुत अच्छा लगा था, एनवायरनमेंट भी अच्छा था, स्टाफिंग एचआर का वहाँ का। 8,000 लोग आपकी बातों को सुन रहे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे इंडिया मार्ट की तरफ से, मतलब कि आप एज अ मैं करियर तो फिर ले लो या फिर एज अ पार्ट हाँ टाइम जॉब, एज अ फुल टाइम जॉब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि जो अपना करियर को लेकर के मतलब कि सीरियस है कि जी मुझे लाइफ बिल्कुल में कुछ करनी है, जी तो सेल्स नाम से डरे नहीं और इसको पॉजिटिव लेकर के मतलब कि काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते वर्क हैं। कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब यहाँ पे आप वहाँ कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे 22,000 आप अर्न कर चुके हो फर्स्ट मंथ की सैलरी या फिर सेकेंड मंथ की सैलरी, तो अगर आप कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पे आप प्रमोशन भी ले सकते हो, एज अ टीएल बने यस हुए तो और ज्यादा आपकी अर्निंग हो सकती है, राइट। हाँ जी अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे मान लीजिए आपने जॉब कर रहे, तो क्या कभी कोई रेफरेंस अमाउंट भी कंपनी पे करती है? जैसे मान लीजिए आपके कुछ फ्रेंड है, जैसे मान लीजिए मुझे ही रख लीजिए, या फिर कोई भी मेरे ऐसा कोई भी फ्रेंड है जो आपको जॉब का आपने दिलवाया या फिर रेफरेंस किया, अगर उस बंदे का सिलेक्शन हो जाता है इंडिया मार्ट में, तो क्या कुछ कंपनी रेफरेंस पे करती है या फिर ऐसा कुछ भी फैसिलिटी नहीं है कंपनी की ओर से? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता क्या कि आप अगर बंदे रेफरेंस करते हो तो वहां पे कंपनी आपको कुछ पैसा पे करती है, 90 डेज कंप्लीट होने के बाद उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, इसलिए मैंने पूछा कि हो सकता है कि इंडिया मार्ट में भी ऐसा हो, बट आपने बताया कि ऐसा कुछ फैसिलिटी भी फिलहाल के तौर पर कंपनी की तौर से नहीं दी गई है, राइट राइट राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे जॉब, आपने कितने महीने जॉब किया इंडिया मार्ट में? मैंने इंडिया वर्ल्ड में 3 मंथ्स मैंने वर्क किया था, हाँ, ये आपका लेकिन मेरे लोकेशन साथ हैदराबाद था ना? हाँ हैदराबाद अच्छा था, वहाँ साउथ इंडियन मॉल गच्चीबौली पड़ता अच्छा है उधर, अच्छा अच्छा तो अच्छा साउथ इंडियन मॉल के एग्जैक्ट पीछे ही मतलब कि हाँ बहुत हाँ सारा कंपनियां वहाँ पे हैं, जी, कॉरपोरेट सेक्टर अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर, हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल। विप्रो हुआ वगैरह, बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे, अच्छा, विप्रो को तो सामने ही था उधर क्या वहाँ पे विप्रो? हाँ उधर ही आस पास ही है विप्रो। अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा जो इंडिया मार्ट का जो चैनल थर्ड पार्टी जो कंपनी थी, क्योंकि डायरेक्ट इंडिया मार्ट में लोग नहीं जॉब करता ना, अच्छा, ये वो थर्ड पार्टी के डायरेक्ट अंतर्गत आया था हाँ ना? थर्ड पार्टी जब भी आएगा जी तो थर्ड जी पार्टी के बाद ही, थर्ड पार्टी में ही आएगा, जी जी बिल्कुल जो कि थर्ड बिल्कुल पार्टी मेरा जो कंपनी था इंसेंसिया इन्फोसर प्राइवेट लिमिटेड था। अच्छा, ठीक है। तो जैसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आप ये पार्ट वर्क फ्रॉम होम ले सकते थे या फिर आपने लेना नहीं चाहा वर्क फ्रॉम होम? नहीं, ये जो फुल टाइम ही था, वर्क फ्रॉम ऑफिस था। ऑफिस ही था आपको ना? हाँ, अच्छा, कितना मतलब कि सुनने में आता है कि वर्क फ्रॉम होम भी है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मुझे उतना, आपको जहाँ नॉलेज नहीं है कि तक वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है या फिर जस्ट सर ऐसे हाँ ही बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम भी अप्लाई कर सकता है, राइट। ठीक है जी रवि, आपने बहुत अच्छा तरीके से बताया कि हमारे ऑडियंस को समझाया कि किस प्रकार वो इंडिया मार्ट में अप्लाई कर सकते हैं,
naukri.com पे अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, इंडिया मार्ट जॉब सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे गूगल फॉर्मेट से आपको फॉर्म मिलेगा, या फिर कैसे ऐसे इम्प्लॉयज को आप वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिन जो इंडिया मार्ट में जॉब कर रहे हैं एसोसिएट, या फिर एज ए टीएल पोस्ट पे, या फिर एज एच आर पोस्ट पे, वहाँ से भी वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आराम से वो अप्लाई कर सकते हैं, महीने के 20,000 रुपए तक, मतलब 10-15,000 से 20,000 महीने का अर्न कर सकते हैं, राइट, अर्न कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आपको एक बता, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो करके फिर इसमें अप्लाई करो तो डायरेक्ट टीएल मिलने का, बनने का मौका मिलता है इसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप अपना कितनी समय हमारे YouTube ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।